अगर आप भी एकेडमी लगातार जा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और आपके एकेडमी के अंदर ग्रोथ रुक चुकी है, सो मैं इस वीडियो के अंदर आपको तीन ऐसे रीजंस बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो अपनी आप स्टक स्टेज से एक ग्रोथ स्टेज के अंदर आ सकते हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और कोशिश करनी है नोट्स बनाने की और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस हमारी तरफ से मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। रीजन नंबर वन जिसकी वजह से आप अपने अकेडमी के अंदर अच्छी मेहनत कर रहे हो, टाइम पे अकेडमी जा रहे हो, लगातार सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं एक जगह पर स्टक हो चुका हूँ, सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ बट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। उसका नंबर वन रीजन ये है, आप अकेडमी के अंदर तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप फील्डिंग अच्छे कर रहे हो, आप यू नो नेट पे बैटिंग बॉलिंग अच्छे कर रहे हो, अकेडमी के अंदर आप पूरा एफर्ट दे पा रहे हो बट कहीं ना कहीं वो एफर्ट आपका मैच के अंदर नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब कि आपको मैचेस खेलने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप नेट पे बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन मैच में अच्छा नहीं कर रहे, और हमारा मेन टारगेट है मैच परफॉर्मर बनना, मैच विनर बनना, और मैच विनर बनने के लिए आपको ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस मैचेस हो चाहे वो टूर्नामेंट के मैचेस हो। अगर आप 18 साल से प्लस की एज कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है टूर्नामेंट के मैचेस खेलने की। अगर आप टूर्नामेंट के मैचेस खेलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा और आप वहाँ पर अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप अभी कितने पानी के अंदर हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको चेक करना है कि आप वीकली कितने मैचेस खेलते हैं। कोशिश करिए कि आप वीक के अंदर कम से कम 2 मैच ज़रूर खेलें। अगर आप उससे कम खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप नेट पर तो अच्छे हो जाएंगे लेकिन आप मैच में अच्छे नहीं हो पाएंगे, राइट। पॉइंट नंबर 2, आपको एक सीनियर के साथ बैठकर या अपने कोच के साथ बैठकर एक प्लान तैयार करना है। किस चीज़ का प्लान, मैं आपको बताता हूँ। कई बार होता क्या है कि हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जो स्टक फीलिंग आती है कि यार मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूँ क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो उस समय आपको अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। अप्रोच चेंज करने की क्यों ज़रूरत है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप 2 से 3 साल से अकेडमी जा रहे हो, राइट, या 4 साल से अकेडमी जा रहे हो। अब हुआ क्या कि आप एक ही तरीके की बैटिंग कर रहे हो, एक ही तरीके की बॉलिंग कर रहे हो, यानी कि आपके मैच परफॉर्मेंस बढ़ ही नहीं रहे, उनमें ग्रोथ ही नहीं आ रही है, राइट। जब कोई अच्छा बॉलर या अच्छा बैट्समैन आपके सामने आता है तो आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो, राइट, आप नर्वस हो जाते हो, आपसे रन नहीं बनते या विकेट नहीं ले पाते, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आप पिछले 3 साल से एक ही अप्रोच को फॉलो करते आ रहे हैं अपने नेट पे या अपने मैचेस खेलने के तरीके में। आपको किसी सीनियर के साथ बैठना है या किसी ऐसे कोच के साथ बैठना है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और उनसे आपको पर्सनल अपनी बैटिंग और बॉलिंग के बारे में और मैच अप्रोच के बारे में कंसल्टेशन लेनी है। यानी कि आपको उनसे बात करनी है कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं स्टक फील कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रन नहीं बना पा रहा हूँ या मैं विकेट्स नहीं ले पा रहा हूँ। बिलीव करिएगा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स से मिलता हूँ 5-5 साल से 6-6 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं बट 6 साल में एज अ बैट्समैन सिर्फ 2 से 3 शतक मारे हैं, 4 शतक मारे हैं। एज अ मीडियम पेसर 6 साल की क्रिकेटिंग जर्नी के अंदर 2 से 3 5 विकेट हॉल है, आप समझ रहे हो। सो दैट इज द स्टक स्टेज। तो ये आपको पता करना पड़ेगा, यह आपका काम है कि आपको एक मेंटोर सर्च करना है, आपको उनसे बात करनी है और उनसे पर्सनली अपने प्लान्स बनवाने हैं और जो वो आपको देंगे बिना सोचे समझे उसको फॉलो करना है जब तक वो कहें तब तक। सो दिस इज द सेकंड प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। एंड अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट पॉइंट की तरफ जो है हमारा थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के अंदर आपको क्या करना है, अब आप 3 साल से क्रिकेट खेल रहे हो तो आप जो बैटिंग बॉलिंग का प्लान लेकर आओगे आपको अपने आप को फिगर आउट करना है कि सिर्फ बैटिंग करने से ही मेरा सब कुछ नहीं होगा या सिर्फ बॉलिंग करने से मेरा सब कुछ नहीं होगा, मुझे अपने अदर पैरामीटर्स भी चेक करना है। क्योंकि जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है वो अपने अदर पैरामीटर्स पे भी काम करता है। अदर पैरामीटर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बैटिंग बॉलिंग के अलावा आपकी फिटनेस होती है, आपकी जिम ट्रेनिंग होती है, आपके डाइट होती है, आपके माइंडसेट ट्रेनिंग होती है, आपके मैच एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आपको इस पूरी लिस्ट के अंदर अपने आपको चेकआउट करना है और अपने आपको नंबर देना है कि मैं 10 में से अपने आपको इन सारे फील्ड्स के अंदर कितने मार्क्स दूंगा। किसी में आपके 2 नंबर आएंगे, किसी में आपके 5 नंबर आएंगे, किसी में आपके 6 नंबर आएंगे। तो जो मैंने आपको ये 5 पॉइंट्स बताए, इन 5 पॉइंट्स में आपको ग्रो करना शुरू करना है। क्योंकि जब आप एक टॉप प्लेयर को देखते हैं तो सिर्फ वो बैटिंग के बेस पे ऊपर नहीं खेल रहा होता या बॉलिंग के बेस पे ऊपर नहीं खेल रहा होता, वो अपनी सारी चीजों के ऊपर काम करता है और तब कोई टीम उसको पिक करती है, राइट। तो आपको भी ये समझना है और आपको भी एज अ क्रिकेटर इसके ऊपर काम करना है। तो आप चेकआउट करो कि आप डाइट में क्या ले रहे हो, आप चेकआउट करो कि आप जिम में कैसे ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ कैसी है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, सिर्फ बैटिंग बॉलिंग से ही कुछ नहीं होने वाला, मेरे को इन पे भी काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मान के चलते कि एज अ बैट्समैन अभी आपके पास स्टेमिना कम है तो आप बैटिंग में फोकस ज्यादा नहीं कर पाते, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कम है तो आप बॉल को दूर तक हिट नहीं कर पाते, आपको बैटिंग के टाइम कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्लियर हो गई बात। तो ये दोनों फैक्टर्स कहाँ पर आ रहे हैं, एक आ रहा है फिटनेस पे, दूसरा आ रहा है जिम ट्रेनिंग पे और डाइट पे।
तो अब आपको इन तीनों के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आपका स्टेमिना डेवलप होगा, तभी आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होगी और तभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप बैटिंग करने के लिए जाएंगे। सेम गोज विद द बॉलर, अगर आप एक मीडियम पेसर है या स्पिनर है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, मसल में ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है अगर आपने एक दिन हार्ड ट्रेनिंग कर ली तो ये चीज़ क्या शो कर रही है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ की कमी है, आपको वेट इंक्रीज करने की ज़रूरत है, आपको स्टेमिना इंक्रीज करने की ज़रूरत है, राइट। तो ये कैसे होगा, डाइट से, जिम ट्रेनिंग से एंड ग्राउंड ट्रेनिंग से, यानी कि ग्राउंड फिटनेस से। तो जब आप इन फैक्टर्स के ऊपर काम करेंगे तो ये फैक्टर्स आपके ओवरऑल क्रिकेटिंग जर्नी के अंदर एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं। आप चाहो तो इंटरेस्टेड प्लेयर के बारे में रिसर्च करो, आपको पता चल जाए। सो आई होप एवरीवन कि आपने इन तीन पॉइंट से कनेक्ट किया होगा और कोशिश करने की इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है। जो भी पॉइंट आपको समझ में आया जिससे आपने कनेक्ट किया, आप मुझे डेफिनेटली कमेंट के अंदर बता सकते हैं। सो अगर आप भी एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो एक राइट एकेडमी सर्च कर रहे हैं जहाँ पर आपको प्रॉपर अटेंशन मिले, आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिले, आप सारे फैक्टर्स पे ग्रो कर सकें, लाइक माइंडसेट ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, फिटनेस एंड डाइट के ऊपर, और अपनी क्रिकेटिंग जर्नी को आप ओवरऑल ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना होगा, जिसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।